नमस्ते दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में हम नॉन न्यूटन वॉल्स का न्यूमेटिक सिस्टम में क्या काम होता है वो देखेंगे। नॉन न्यूटन वॉल न्यूमेटिक सिस्टम में प्रोसेसिंग एलिमेंट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके भी कुछ टाइप्स हैं, उसके बारे में हम इस पीपीटी में देखेंगे। प्रोसेसिंग एलिमेंट यानी कि कंडीशन देने के लिए, सर्किट में कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए नॉन न्यूटन वॉल का इस्तेमाल किया जाता है। नॉन न्यूटन वॉल का एक टाइप है एंड फंक्शन वॉल। एंड फंक्शन यानी ड्यूल प्रेशर वॉल्व। तो उसका डिजाइन कैसे रहता है, वो कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। तो अ न्यूमेटिक एंड हैज टू इनलेट्स, वन एंड वन एंड वन आउटलेट टू। तो न्यूमेटिक एंड वॉल में दो इनलेट पोर्ट रहते हैं और एक आउटलेट पोर्ट रहता है। कॉम्प्रेस एयर फ्लो थ्रू द वॉल Only if pressure is available at both inlets, मतलब जब दोनों इनलेट पोर्ट से एयर सप्लाई आएगा तो ही आपको आउटपुट में एयर सप्लाई मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। Only one input signal blocks the flow due to directional forces at the piston slide, मतलब एक इनपुट सिग्नल ब्लॉक रहता है और अगर दूसरे इनपुट सिग्नल से सप्लाई आ गया तो ही आपको आउटपुट में सिग्नल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। The pneumatic end also called as dual pressure valve. End valve को भी dual pressure मतलब दोनों साइड से pressure valve भी बोलते हैं। It is mainly used for interlocking, safety control, check functions and logic and end operations. मतलब जहाँ जहाँ इसकी जरूरत है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। Safety condition यानी कि जैसे आपका pneumatic ramp रहता है या फिर pneumatic प्रेस रहता है, तो ऑपरेटर के दोनों हाथ ऑपरेशन के टाइम पे वॉल्व में ही एक्चुएट रहने चाहिए, ना कि प्रेस के अंदर आ जाए। इसके लिए दोनों वॉल्व से जब आउटपुट निकलता है तो ही वो प्रेस नीचे आता है, तो ये सेफ्टी कंट्रोल होगा। चेक फंक्शन यानी कि जैसे कन्वेयर रहता है, कन्वेयर पे जॉब आने के बाद आप जब बटन प्रेस करोगे मतलब दोनों कंडीशन थ्रू होगा तो ही आपका ऑपरेशन होगा, वरना होगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में एंड वॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो एंड वॉल का डिजाइन कुछ इस तरह रहता है, दो इनपुट है और एक आउटपुट है। इनपुट को वन से डिनोट किया है, आउटपुट को टू से डिनोट किया है। जो साइड में दिया है वो एंड वॉल का सिंबल है। जैसे राइट साइड के वन से इनपुट आया है लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिला, दोनों साइड से इनपुट आएगा तो ही आपको आउटपुट मिलेगा। एंड वॉल किस तरह काम करता है ये आप इस वीडियो में देखेंगे। जैसे एक पोर्ट से इनपुट आया, आउटपुट नहीं मिला, ये पोर्ट से इनपुट चला जाएगा, दूसरे पोर्ट से इनपुट आएगा तो भी आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर दोनों पोर्ट से इनपुट आएगा तो ही एक पोर्ट ब्लॉक रहेगा और दूसरे पोर्ट का इनपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट से बाहर आएगा। तो ये जस्ट प्रोसेसिंग के लिए, आपके सर्किट में कंडीशन देने के लिए एंड वॉल का इस्तेमाल किया जाता है। एंड वॉल का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे ये एंड वॉल्व है, एंड वॉल कुछ इस तरह दिखा दे देता है। दो बटन को एंड वॉल से कनेक्ट किया है और उस एंड वॉल को डायरेक्शन कंट्रोल वॉल से कनेक्ट किया है। जैसे ही एक बटन प्रेस करोगे वॉल एक्चुएट नहीं होगा, दोनों बटन प्रेस करने के बाद एंड वॉल आउटपुट देता है। और एंड वॉल किसको ऑपरेट करता है, तो आपके डायरेक्शन कंट्रोल वॉल को ऑपरेट करता है और उससे पिस्टन ऑपरेट होता है। अभी एक्चुअली में ये एंड वॉल कहाँ पे फंक्शन होता है वो भी हम देखेंगे कि ये एक न्यूमेटिक प्रेस है। तो जैसे वो स्लीव फिक्स कर रहा है, दोनों बटन प्रेस किया, स्लीव नीचे आ गया, स्लीव फिक्स हो गया, ऊपर चला गया। एक बटन प्रेस करोगे तो नहीं होगा, दोनों बटन प्रेस करने के बाद ही आपका जो पिस्टन है या एक्चुएटर है उसका मूवमेंट होगा। अभी ये दूसरा नॉन न्यूटन वॉल है जिसको बोलते हैं ऑल फंक्शनिंग वॉल या फिर शटर वॉल। तो इसका डिजाइन कैसे रहता है और ये काम कैसे करता है वो हम देखेंगे। The non-Newton wall element has two inlets, one and one, and one outlet, two. इसमें भी दो इनलेट है और एक आउटलेट है।
इफ कॉम्प्रेस एयर इज अप्लाइड टू फर्स्ट इनलेट वन, द वॉल सीट सील्स द अपोजिट इनलेट वन एंड द एयर फ्लोस फ्रॉम वन टू टू। अगर समझो वन वाले इनलेट से एयर सप्लाई आया तो जो अंदर जो ब्लॉक है या फिर जो पिस्टन है या बॉल है वो क्या कर देगा, दूसरे पोर्ट को ब्लॉक कर देगा और वन से जो सप्लाई आ रहा है वो आउटपुट से निकल जाएगा। वैसे ही समझो अगर टू वाले पोर्ट से सप्लाई वन दूसरे वन वाले पोर्ट से सप्लाई आया तो फिर वो फर्स्ट पोर्ट को ब्लॉक कर देगा और आउटपुट से सप्लाई मिलेगा। इनलेट वन इज क्लोज इफ एयर पासेस फ्रॉम वन थ्री टू टू। अ सिग्नल इज जनरेटेड एट आउटपुट आउटलेट, मतलब किसी भी इनपुट से अगर आपको सिग्नल आया तो आउटपुट में आपको हमेशा सिग्नल मिलेगा। द वॉल इज कॉल्ड एज और एलिमेंट, जो आपका लॉजिक टेबल में और कंडीशन रहता है, एनी ऑफ द कंडीशन इज थ्रू, एनी ऑफ द कंडीशन इज थ्रू देन आउटपुट इज थ्रू, वही प्रिंसिपल यहाँ पे यूज किया जाता है। तो जैसे वन है, दोनों साइड से वन है, तो एक वन से अगर सिंबल आया तो वो बॉल जो है दूसरे वन को ब्लॉक कर देता है और टू से आउटपुट मिलता है। साइड में दिया है वो आपका और वॉल का सिंबल है। सिस्टम जो अगर इनपुट आ गया तो भी बॉल जो है वो दूसरे आउटलेट को ब्लॉक कर देगा और आपको आउटपुट। तो अभी और वॉल किस तरह काम करता है वो हम इस वीडियो में देखते हैं। जैसे समझो एक फर्स्ट इनलेट से इनपुट आया आउटपुट मिल रहा है, दूसरे इनलेट से इनपुट आया तो भी आउटपुट मिलेगा, और अगर ये कंडीशन है और दोनों साइड से इनलेट आया तो फर्स्ट चीज क्या है, फर्स्ट पोर्ट ब्लॉक कौन सा है वही ब्लॉक रहेगा और आपको आउटपुट मिलते रहेगा। तो एनी ऑफ द कंडीशन इज थ्रू देन आउटपुट इज थ्रू। और वॉल का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। और वॉल का एप्लीकेशन कैसे रहता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सेम है, दो 3x2 वे वॉल्व है जिसको और वॉल से कनेक्ट किया है, वो और वॉल 5x2 वे वॉल से कनेक्ट किया है और आपका 5x2 वे वॉल एक्चुएटर से कनेक्टेड है। क्या होता है, कोई भी पुश बटन दबाओ आपका एक्चुएटर ऑपरेट करेगा, दोनों दबाओगे तो भी आपका एक्चुएटर ऑपरेट करेगा। और वॉल का एक्चुअल में एप्लीकेशन कैसे होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ऑटोमेटिक प्रेस है जिसको आप पुश बटन से भी ऑपरेट कर सकते हो और फुट पैडल से भी ऑपरेट कर सकते हो, मतलब कोई भी कंडीशन हो आपको थ्रू मिलेगा, पुश बटन से भी ऑपरेट होगा और फुट पैडल से भी ऑपरेट हो सकता है। उसके बाद है क्विक एग्जॉस्ट वॉल, ये भी एक नॉन रिटर्न वॉल का टाइप है। तो इसका डिजाइन कैसे रहता है और इसमें क्या काम होता है वो हम देखेंगे। क्विक एग्जॉस्ट वॉल आर यूज्ड टू इंक्रीज द पिस्टन स्पीड ऑफ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर में जो पिस्टन रहता है उसकी स्पीड इंक्रीज करने के लिए हम क्विक एग्जॉस्ट वॉल का उपयोग करते हैं। दिस एनेबल्स लेंथी रिटर्न टाइम टू बी अवॉइडेड पर्टिकुलरली विद सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, मतलब सिलेंडर को रिटर्न आने के लिए जो ज्यादा टाइम लगता है वो रिड्यूस हो जाता है। The principle of operation is to allow the cylinder to retract at its near maximum speed by reducing the resistance of flow of exhausting air during motion of cylinder. मतलब सिलेंडर में जो एयर है वो एटमोसफियर में हम भेज रहे हैं, अगर वो एयर जल्द से जल्द एटमोसफियर में चले जाए तो फिर आपका सिलेंडर का स्पीड जो है रिटर्निंग स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। ये प्रिंसिपल का इसमें उपयोग किया है। To reduce resistance, the air is expelled to atmosphere close to the cylinder via larger orifice opening. मतलब air जो है वो atmosphere में एक बड़े exhaust port से भेज दिया जाता है, इसलिए air quickly बाहर निकल आता है। The wall has a closable supply connection 1, a closable exhaust 3 and an outlet 2. मतलब वॉल में तीन पोर्ट से रहते हैं, एक सप्लाई कनेक्शन रहता है जिसको वन से डिनोट करते हैं, एक क्लोजेबल एग्जॉस्ट रहता है जिसको थ्री से डिनोट करते हैं और एक आउटलेट रहता है टू। तो इस वॉल का डिजाइन देखते हैं। जैसे वन क्या है, तो
तो इनपुट है, थ्री क्या है तो आपका एग्जॉस्ट है, टू क्या है तो आउटलेट है, साइड में जो दिया है वो इस क्विक एग्जॉस्ट वॉल का सिंबल है। तो जैसे वन से एयर प्रेशर आया है लेकिन पोर्ट ब्लॉक होने के वजह से वो एयर प्रेशर टू से बाहर नहीं निकल रहा है, तो जैसे ही एयर प्रेशर बढ़ जाएगा वन क्या हो जाएगा टू से कनेक्ट हो जाएगा और वहां से एयर सप्लाई एक्चुएटर की तरफ जाएगा। जब रिटर्न टू से एयर प्रेशर आएगा तो आपका जो बीच में जो पिस्टन दिया है वो वन को ब्लॉक कर देगा, मतलब रिटर्न आने वाली एयर जो है वो, लेकिन जब रिटर्न टू से एयर जब आएगी वो एयर वन से न जाते हुए थ्री से निकल जाएगी, वन जो है वो पिस्टन क्या कर देगा ब्लॉक कर देगा और थ्री से एयर आपकी एटमॉस्फेयर में एक्सेप्ट करेगी। थ्री का डायमीटर बड़ा होने के वजह से रिटर्न एयर जल्दी से जल्दी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, इसके वजह से आपकी पिस्टन की या फिर एक्चुएटर की स्पीड बढ़ जाएगी। ये क्विक एग्जॉस्ट वाल्व का सिंबल है। इस वीडियो में हम क्विक एग्जॉस्ट वाल्व कैसे काम करता है वो देखेंगे। क्विक एग्जॉस्ट वाल्व है, अभी जैसे वन से सप्लाई आता है टू से वो सप्लाई निकल जाता है, लेकिन जब टू से सप्लाई आएगा वन ब्लॉक हो जाएगा और वो सप्लाई थ्री से इजीली निकल जाएगा। थ्री का डायमीटर ज्यादा होने के वजह से एयर जो है वो क्विकली एस्केप हो जाएगी और आपके एक्चुएटर का स्पीड बढ़ जाएगा। ये मैंने क्विक एग्जॉस्ट वाल्व एक एक्चुएटर को कनेक्ट किया है, तो उसमें देखो फर्स्ट सिलेंडर की जो स्पीड है आगे जाने में वो सेकेंड सिलेंडर से ज्यादा है। वापस एक बार देखो दोस्तों, फर्स्ट की स्पीड फॉरवर्ड स्पीड सेकंड के मुताबिक ज्यादा है क्योंकि वो फॉरवर्ड जाने के टाइम पे एयर जो है वो क्विकली एक्सेप्ट हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्लाइड। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के वॉल्स देखेंगे।